इस पेंडेमिक सिचुएशन में वन वे और अदर हर कोई किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुआ है दोस्तों। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, इसकी डर से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और इन सब चीजों से क्या हुआ है, हमारा बॉडी और हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में रहा है। और इससे क्या होता है दोस्तों, जब स्ट्रेस और टेंशन में आप रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, वो हमारा है हेयर फॉल। दोस्तों हेयर फॉल से आप कैसे बच सकते हैं, तो मुझे मिला एक बहुत ही अच्छा ट्रिक जो कि मैं आपके साथ ही शेयर करने वाली हूँ। और वह जो अमेजिंग और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो हमारा है बकरी का दूध यानी कि गोट मिल्क। जी हाँ दोस्तों, बकरी का दूध हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा अमेजिंगली काम करता है। गोट मिल्क दोस्तों नेचुरली लोडेड होता है AHA से, जो कि हमारे बालों के स्कैल्प से डस्ट पॉल्यूशन और क्रीम को रिमूव करता है बिना किसी नुकसान के। इसके अंदर पाया जाता है विटामिन भरपूर मात्रा में, जैसे कि विटामिन ए जो कि हमारे बालों को जो है मॉइस्चराइज करता है, और विटामिन सी जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोलेजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेयर ग्रोथ। विटामिन ई पाया जाता है दोस्तों, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारे बालों पे और हमारे बालों को यानी कि हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स हमारे बालों को नरिशमेंट देता है, स्मूथनेस प्रदान करता है और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइन प्रदान करता है दोस्तों। इसके साथ ही इसमें पाया जाता है सिलेनियम, जो कि दोस्तों हमारे बालों के स्कैल्प से डैंड्रफ और हेयर प्रॉब्लम्स जो होती है ना उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बालों के हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बकरी का दूध हम कहाँ से लेके आए, तो बिल्कुल ही घबराइए नहीं, न्यूज ने लॉन्च किया है प्रीमियम शैम्पू एंड कंडीशनर विद गोट मिल्क, यानी बकरी के दूध से बना हुआ शैम्पू एंड कंडीशनर जो कि आपके बालों को हर जो फायदा होता है प्रोवाइड करेगा बिना किसी नुकसान के। इसके अंदर पाया जाता है प्योर शुद्ध गोट मिल्क। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर दोस्तों, आज ही आप लॉग इन करें www.news.co.in पे और आप इसको जो है खरीद सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट और नायका से। दोस्तों आज मैं आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल से आप किस तरीके से जो है बहुत ही ज़बरदस्त DIY बना सकते हैं। नारियल तेल दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जनरली अगर आप नारियल तेल में कुछ मिला करके नहीं भी लगाओगे तब भी बोला जाता है कंटिन्यू अगर आप अपने बालों पे नारियल तेल लगाते हो तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोल वर्जिन जो है कोल प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो नहीं है तो सिंपल जो कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए, अक्सर देखते होंगे पुराने जमाने में इस तरीके का ब्लू वाला पैकेट आता था, डब्बा आता था, उसी में जो है प्योर कोकोनट ऑयल होता है। तो यहाँ पे आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल को दोस्तों हमेशा अपने बालों पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, स्कैल्प पे ज़रूर लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ये तेल भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सभी के प्रोडक्ट जितने भी यूज़ कर रही हूँ मैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अरंडी का तेल जो है दोस्तों कभी भी आप खाली अपने बालों पे नहीं लगाएं, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही गाढ़ी होती है और ये आपके बालों पे जाके चिपचिप हो जाएगा और आपके बाल झड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा इसको हमेशा किसी न किसी तेल में मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे 2 से 2.5 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल लिया था और उसका जो है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है अरंडी का तेल। अब ये है दोस्तों विटामिन ई, विटामिन ई की टैबलेट आपको ये मार्केट में ये आपको मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया होता है हमारे बालों के लिए, बालों की लंबाई जो है ना एकदम तेज़ी से रफ्तार से बढ़ने लगता है। दोस्तों इस तरीके से आपको ग्रीन कलर के जो है कैप्सूल्स मिलेगी मार्केट में और ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है। भरपूर मात्रा में इसके अंदर विटामिन ई होता है जो कि हमारे बाल मतलब हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। विटामिन ई हमारे बालों को जो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, जिस जो कि हमारे बालों को हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही हमारे बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और साथ के साथ ही हमारे बालों को स्मूथनेस, सिल्कीनेस सब प्रदान करता है। दोस्तों स्कैल्प से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि हेयर इन्फेक्शन, डैंड्रफ वगैरह, इन सभी चीज़ों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है विटामिन ई।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 2 कैप्सूल लिया हुआ है। आप यहाँ पे अपने बालों की लंबाई के हिसाब से 1 या फिर 2 रख सकते हैं। इजीली आपको ये मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर में। और नारियल तेल नॉर्मली आप जो यूज़ करते हैं वो वाला भी ले सकते हैं, और कोल्ड प्रेस्ड जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो भी ले ले, वो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ओरिजिनल जब नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हो जब भी, तो इस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड की मदद से हमेशा तेल को गुनगुना करके ही अपने बालों पे इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपके बाल जो है बहुत ही बढ़िया होते हैं। और इससे क्या होता है, सर्दी वगैरह लगने का भी डर नहीं होता। आप ठंडा मौसम में भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो तेल को हल्का सा गुनगुना करके ही लगाना चाहिए नारियल का तेल को, इससे फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा आपके स्कैल्प को मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छे से बाल को हल्का सा तेल को गुनगुना कर लिया है, और आप देख सकते हैं पहले से मेरे बाल की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। बाल बहुत ही खूबसूरत और सिल्की शाइन है, क्योंकि ऐसे ऐसे नेचुरली प्रोडक्ट मैं यूज़ करती रहती हूँ। और इसके पहले मैंने गॉट मिल्क के बारे में आपको बताया, गॉट मिल्क के फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा होते ही है। उसका शैम्पू कंडीशनर मैं हमेशा अपने बालों पर इस्तेमाल करती हूँ, उससे भी फ़ायदा होता है। और इस तरह का DIY भी बना करके अपने बालों पर इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसको हमेशा दोस्तों जब भी कोई DIY बनाए तो बालों के स्कैल्प पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाल को स्कैल्प में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है डैंड्रफ का, हेयर इन्फेक्शन का। अगर आपका जो स्कैल्प साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, क्लीन रहे नहीं रहेगा, हाइजीन नहीं रहेगा, तो आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने बालों के स्कैल्प को बहुत ही बढ़िया साफ़ सुथरा रखिए, ताकि कोई डैंड्रफ ना हो, हेयर इन्फेक्शन ना हो, इस तरह का कोई फोड़ा फुंसी ना हो, घाव ना हो, और डस्ट वगैरह बैठने बिल्कुल भी ना दे। तो इसलिए वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू ज़रूर करें दोस्तों, इससे आपके बाल साफ़ सुथरे रहेंगे, क्लीन रहेगा, और बालों में किस तरह की कोई समस्याएँ नहीं होगी, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। तो शैम्पू कंडीशनर ज़रूर ले, जो मैंने आपको बताया है गॉट मिल्क का, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों आप इस तरीके से हेयर DIY बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल से मिला करके, कैस्टर ऑयल विटामिन ई का, ये सभी चीज़ें हमारे बालों पे नेचुरली जो है बहुत ही बढ़िया इफेक्ट लेके आएगा। आपके बाल खूबसूरत सिल्की शाइन हो ही जाएंगे, और आपके बाल की जो लंबाई है बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। इस तरीके से अपने पूरे बालों पे स्कैल्प पे लगाएं। स्कैल्प पे लगाने के बाद लगभग 10-15 मिनट इसको मसाज जरूर दे। मसाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के स्कैल्प को ग्रोथ करने के लिए। इससे आपके बालों की जड़ों के अंदर तक जो है पोषण जाता है, और इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे से नरिश्ड होते हैं, मॉइस्चराइज होते हैं। और इसके अंदर जो है विटामिन ई डालने से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एक्ट करता है, जो कि आपको हेयर फॉल वगैरह रोकने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोशिश करें सप्ताह में इस तरीके से 2 बार ऑयलिंग करें, और बालों को रात में इस तरीके से तेल लगाएं, और फिर सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आज का वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।